जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। हेलो गाइस, सब कुशल मंगल, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप इस तरीके की वीडियो को बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, लिपस्टिक इफेक्ट स्टेटस, स्लाइडिंग इफेक्ट स्टेटस, तो इस तरीके के स्टेटस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर, और बहुत सारे क्रिएटर्स इस तरीके के इफेक्ट को बना रहे हैं। बाकी गाइस, मैं आपको बता दूँ, ऐसा इफेक्ट देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। बहुत सारे लोग इस तरीके के इफेक्ट को या स्टेटस को अपने व्हाट्सअप पर लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं। तो गाइस, क्यों ना आप भी इस तरीके के स्टेटस को बनाना सीखिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फर्क पड़ता है तो सिर्फ जो आपको फ़ोटो होंगे लिपस्टिक इफेक्ट वाले, उनको कैसे बनाना है। तो इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसी पे था, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। एक दो वीडियो के नीचे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जाइए देखिए और अपने इस तरीके के लिपस्टिक इफेक्ट फोटो को क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप स्टेटस को बनाइए। तो चलिए अब बिना वेस्ट टाइम के स्टेटस को क्रिएट करते हैं। स्टेटस हम बनाने वाले हैं कैन मास्टर एप्लीकेशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सरल किसी से है बनाना तो कैन मास्टर एप्लीकेशन है इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए। तो आपको कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, या फिर आपको पता ही होगा गूगल से आपको कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको सिंपली क्या करना है, 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज को सिलेक्ट करना है, तो इमेज पे क्लिक करने के बाद ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, और इसकी लेंथ को आपको समथिंग 30 सेकंड का रख लेना है, क्योंकि जितने लेंथ का आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहें, तो मैं 30 सेकंड का रख लेता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और गाइज यहाँ से आपको अपने कुछ फोटोज को सिलेक्ट करना है जिनसे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज, मैं 3 फोटो लेने वाला हूँ जिनसे मैं स्टेटस को क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेने हैं। तो गाइज, पहला फोटो ये हो गया, ये मैंने ले लिया। इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से फुल स्क्रीन करना है सबसे पहले, तो कर दिया मैंने, और एक साइड करना है इस तरीके से, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है। 30 सेकंड का स्टेटस बनाने वाले हैं हम, 3 फोटो लगाने वाले हैं, तो एक पहला फोटो यहां तक रहने देते हैं, दूसरे फोटो पे क्लिक करते हैं। यहां पे आने के बाद लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मीडिया को सिलेक्ट करना है, दूसरे फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, इस पर बैक जाता हूँ, दूसरे फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 3 फोटो बनाए हैं, तो आपको अपने हिसाब से बना लेना, अगर आप चाहें तो 2 फोटो से भी आप इस तरीके के स्टेटस बनाते हैं। दूसरे फोटो में यहाँ तक रख लेता हूँ, इसकी लेंथ को मैं इस तरीके से फुल स्क्रीन कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ तक कर दूंगा, इस तरीके से आपको इसे कर देना है, मैंने कर दिया। तीसरे फोटो को मैं यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ, तीसरा फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला आ गया। इसको आपको लास्ट तक कर देना है, और इसकी वो आपको फुल स्क्रीन कर देना है, कर दिया, और बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, यहाँ तक कर देना है, उसके बाद बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना होगा, पहले वाला फोटो को इस पर क्लिक करना है, इसको आपको थोड़ा इस तरीके से और कर देना है, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। अब गाइस यहाँ से आपको आना है, अब आपको क्या करना होगा, या फिर आप चाहें तो थोड़ा इधर ही रहने दें, क्योंकि शुरू में इफेक्ट अच्छा नहीं लगना चाहिए। अब सिंपली क्या करना है, पहला फोटो पे आपको क्लिक करना है, और बिल्कुल शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद क्या करना है, डिलीट के ऊपर चाबी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है, और बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद इस फोटो को आपको बिल्कुल इस तरीके से कर देना है, कर दिया मैंने, इस तरीके से आपको कर देना है, ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, देख लीजिए। जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। अब दूसरा फोटो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, दूसरे फोटो को हम क्या करते हैं, पहला हमने इफेक्ट लगाया था, देख लीजिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहला फोटो हम लगाया था इस साइड, अब ये वाला फोटो हम लगाएंगे इस साइड। तो सिंपली आपको इस तरीके से इस फोटो पर क्लिक करना है, और सबसे पहले फोटो को आपको इस तरीके से कर देना है जूम, ऐसा है। अब क्या करना है, फोटो पे क्लिक करना है, डिलीट के ऊपर चाबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब आपको जाना होगा बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे मैं आ गया, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, और इस फोटो को आपको इस तरीके से कर देना है,
यहाँ तक बस बैक आना है, इफेक्ट लग चुका है देख लीजिए। तो इसी तरीके से गाइज आपको तीसरे फोटो पे क्लिक करना है, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक कर दिया, उसके ऊपर डिलीट के ऊपर चाबी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आपको आना है बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और इस फोटो को आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे लेके इस तरह आ जाना है, यहाँ तक रहने दें आप जहाँ तक आपको फोटो गए। बस आपका शीर्ष बन के तैयार हो चुका है देख लीजिए गाइज। अब हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं गाइज। जो भी काम था हमारा फोटो में इस तरीके से शेड्स को क्रिएट करने में सब कुछ हो चुका है, क्योंकि स्लाइडिंग इफेक्ट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। अब हमें लगाना है म्यूजिक, जैसे ही आप म्यूजिक लगाएंगे आपका शेड्स एकदम जहर गजब का बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना गाइज। बाकी गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपने शेरशाह मूवी नहीं देखी ना तो ज़रूर देख लेना, बहुत ही कमाल की है। अब हम म्यूजिक को लगाते हैं, तो लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, लिरिक्स वाले म्यूजिक को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैंने ऐड कर लिया है, म्यूजिक आ चुका है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको लिरिक्स जो बीच में देखने के लिए मिलते हैं इन्हें आप यहीं रहने दें अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद नहीं आते तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे ला के यहाँ पर लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल नीचे ला के लगाएं यहाँ पर, बस यहाँ से बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना मेरी नज़र में ये वाला ऐसे ही रहने दें, इसमें ज़्यादा सही नहीं लगा अगर आप बॉर्डर लगा लेंगे। बाकी शेड्स आपका क्रिएट हो चुका है, चली गई चला के दिखा देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एक और इफेक्ट लगा सकते हैं, तो मैं उसे भी लगा लेता हूँ। लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, मैं जाता हूँ यहाँ से नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको एक पार्टिकल्स इफेक्ट वाली वीडियो को लगा लेना है। तो सिंपली मैं उसे लगा लेता हूँ फटाक से, जिससे कुछ पार्टिकल्स इफेक्ट वाला इफेक्ट आएगा, डस्ट वाला काफ़ी ज़्यादा गजब का लगेगा। तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ नीचे आने के बाद, ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। ये वाली वीडियो आ चुकी है कैंची के बराबर वाले, या फिर आप सिंपली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वीडियो में इफेक्ट ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इसको आपको रोटेट करना है और कैंची के बराबर वाला ऑप्शन क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है, उसके वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। स्टेटस बस हमारा क्रिएट हो चुका है, अब चलिए चला के दिखाता हूँ मैं आपको। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू।